साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथियों मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान, समाज सुधार कमांडो टीम मेवात से। साथियों अभी हमारी समाज सुधार कमांडो टीम मेवात पहुंची है गांव आलमपुर, जो धौज के करीब पड़ता गांव आलमपुर है। यहां एक बेवा औरत है, उसके 5-6 बेटियां हैं, एक बेटा है। वो लंबे अरसे से बीमार चल रही है, उसके खुद गले में कैंसर है। साथियों उसकी बेटी की शादी कल है। आज हमारी समाज सुधार कमांडो टीम मेवात के साथी भाई अपने तहसीम भाई साद भाई, भाई फकरुद्दीन भाई साथ इमाम बोलते रहे, अकरमुद्दीन भाई, ताहिर भाई, साकिर भाई और हमारे और साथी आगास भाई, ये हमारे सब समाज सुधार कमांडो टीम के साथी आज यहाँ पर मदद लेकर पहुंचे हैं। ये 5 महीने के अंदर आज 87वीं मदद है, 87। तो सभी दानवीरों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पूरी कमांडो टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की मेहनत और लगन से आज ये हो पा रहा है, समाज में हम गरीबों का हिस्सा बन पा रहे हैं। क्योंकि मैं साथियों बता दूं कि ये घर देख रहे हो इस माँ का, इसके पास एक छोटी सी टुकड़े की ये जमीन है, क्योंकि ये मियां जाती से ना इनके पास इतनी जमीन जायदाद है और ये बड़ी परेशान हाल है। इसकी बड़ी बेटी को मैंने बताया था विकलांग भी है पैरों से और विधवा भी है। तो साथियों ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इनमें तो कोई हम कुछ बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, समाज के लोग जागरूकता ला सकते हैं कि हम एक होकर समाज के लिए गरीबों के लिए अच्छा काम करें, ताकि समाज मजबूत हो, देश मजबूत हो, हमारे इलाका मेवात मजबूत हो। आज हमारी कमांडो टीम मेवात बर्तनों का सेट, एक पंखा, एक संदूक, एक बेड, एक प्रेस, एक अलमारी, 2 कुर्सी, एक टेबल, तो आज ये सामान लेकर इस बहन की शादी में फ्री ऑफ कॉस्ट मदद पहुंचा रही है। सभी दानवीरों को मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं पूरी कमांडो टीम उस माँ का हाल जान भी जाने, जिस माँ की बेटी की शादी, उस माँ के पास एक बार साथी सब आ जाए प्लीज, एक बार दिखाएं साथी, हट जाओ बहने थोड़ा साइड से, हट जाओ भाई, थोड़ा सारे साथी आ जाए एक बार भाई, सभी साथी आ जाओ भाई, जाना एक बार, चलो चलो साथियों चालू रखना भाई, चालू है जी सर। साथियों ये उमा है जिसके गले में कैंसर, मैंने बताया था खुद 2 दिन पहले, यानी कि कल मेरे हिसाब से बोल भी बंद हो गया था, ये पोजीशन आ गई इसकी। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं इसको जिंदगी दे अल्लाह पाक, कल इसकी बेटी निकल जाएगी, इस माँ को भी खुशी मिलेगी इंशाल्लाह। दानवीरों इस माँ की वो हालत है, बिस्तर पे है, उस दिन कुछ कंडीशन ठीक थी, आज बिल्कुल ही बहुत निहायत कमजोर है। तो साथियों ऐसे लोगों की आप मदद करो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको जन्नत में भी मुस्तहिक करेगा, दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब करेगा। ऐसा हम गुजारिश करते हैं पूरे मेवात के नौजवानों से, मेवात के जिम्मेदार लोगों से, आप लोग मेवात में बढ़ती हुई बुराई को रोको, नशे को रोको और जो बुराइयां फैल रही है उनको रोको और समाज को आगे लेकर चलो। अपने नौजवानों को अच्छी शिक्षा दो, आज हमें जरूरत है कारोबार करने की, छोटे छोटे कारोबार करो और आगे बढ़ो। साथियों बस मेरा यही कहना है, संदेश है, मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथी कमांडो टीम के साथी आप अपने 2 विचार जरूर रखें। साथ भाई तहसीम भाई बोले सर, भाई थोड़ा कुछ बोले सर, नौजवानों को मोटिवेशन दे, खासकर धौज हल्का, मैं आपको बता दूं धौज फतेहपुर खोरी सिरोही बीजापुर लद्यापुर जितने भी हमारे जटियात के यहाँ गांव हैं, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और खाते पीते लोग हैं, मैं चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए आप लोग मदद के लिए आगे आए, इंशाल्लाह यहाँ पर बड़ी टीमें खड़ी हों, संगठन खड़े हों, गरीबों के लिए मदद करें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब अल्लाह की मखलूक है, सबके लिए मदद के लिए आगे आए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। तहसीम भाई विचार रखे मैं प्लीज बोले, अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीम कमांडो टीम मेवात से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारी कमांडो टीम समाज सुधार है, ये ऐसे ही गरीब और मुस्ताहिल लोगों की मदद करती है और हर जगह जहां भी वो, ये नहीं इलाका है मेवात कहीं भी है, चाहे इलाका मेवात पूरे एरिया से जो भी है, तो वहां पर मदद करती है। आज हमारी कमांडो टीम फिर पहुंची है आलमपुर गांव में, हम कमांडो टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस इलाके में जो एक गरीब और मुस्ताहिल बहन थी, इसकी आज मदद करी है, उसके लिए हम कमांडो टीम का भी और कमांडो टीम के साथियों का भी तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सभी दानवीर भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और विचार रखता हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा सभी भाई कमांडो हिदायत खान के साथ में मिलकर काम करें और दान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। नौजवानों को अपील करते हैं आप ऐसे अपील करें, नौजवान जुड़े और जो नौजवान अच्छा है वो उसके लिए बढ़े आगे, नौजवान इस नए काम में सब आगे आए जी, और बेशक सब दुआ करें। अपना नाम भी बताएं प्लीज। मेरा नाम ताहिर है, कहाँ से बोला? साथी प्लीज बोले थोड़ा, नौजवानों का सिरोही से हिदायत भाई आए हमारे, सबसे बहुत बढ़िया शुक्रिया है, धन्यवाद सबके लिए।
सब इसकी मदद करेंगे तो ये सबकी मदद करेगा, बस इतना ही कहना। जी बुजुर्ग क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, कैसा लगा आप लोगों को इस तरह मदद करके? जी जनाब फखरुद्दीन साहब क्या संदेश देना चाहोगे? फखरुद्दीन भाटड़ा से आज हम आलमपुर गांव आए हैं। एक बेवा है और बीमारी भी है, गले में कैंसर है। आज जो हमारी कमांडो टीम है इस बेटी की शादी में दान देने के लिए आई है। मैं सभी दानवीरों से अपील करता हूं कि ऐसे गरीब बहन भाइयों के लिए मदद करें, क्योंकि ये बिल्कुल माजूर हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कमांडो टीम का, जिन लोगों ने इसमें मदद की है। साथियों मैं ये बता दूं, माँ बेटी के लिए एक बेड है, एक अलमारी है, एक सिंदूक है, 101 बर्तन है, पंखा है, प्रेस है। दुआ करना अल्लाह से, दुआ करना हमारी टीम के लिए, खुश होना, दुआ करना अल्लाह से, घबराना नहीं बिल्कुल। और पूरा इलाका आपके साथ है, सर पर हाथ रख दे जरूर आशे। बेशक सही बात है। शुक्रिया साथियों, मैं दानवीरों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नजदीक से सुनवा भाई की मदद करे, मेरे बहुत अच्छा ख्याल सोचते हारे अल्लाह और आगे बढ़ा। मेरे पास की ज्यादा बोलो नाम अल्लाह खुश रखे, हिम्मत से काम ले, ठीक है ना? इंशाल्लाह ये अल्लाह के हाथ में हारी बीमारी। साथियों मैं घर भी दिखा दूं आप लोगों को, आप सोचेंगे देखो इसके पास ये घर है, आप देखे खुद इसमें माँ बीमार पड़ी है और हालात भी थे। तो हम इस तरह के मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें मुस्तहिक लोगों की जानकारी दें, जिनके पास नौजवान कमाने खाने वाले हैं, माँ बाप कमाने खाने वाले हैं, जमीन वाले हैं, वो हमारी जानकारी ना दे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।